चौहान में कर्मियों का मामला। विधायक परिणय फुके के नेतृत्व में शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिला। नागपुर, महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक पद के लिए पुलिस विभाग अंतर्गत ली गई परीक्षा के उत्तीर्ण पुलिस कर्मियों को आज तक पदोन्नति नहीं दी गई। नागपुर जिले के 394 पुलिस उपनिरीक्षक पद के लिए पात्र कर्मियों ने हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवेदन देकर न्याय की मांग की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने उक्त मामले को काफी गंभीरता से लिया है। याद रहे कि लोक सेवा आयोग ने 2013 में उपनिरीक्षक पद के लिए परीक्षा ली थी। इस परीक्षा में नागपुर संभाग के 2,222 पुलिस कर्मी उत्तीर्ण हुए थे। इन सफल कर्मियों को अधिकारी बनने का अवसर मिला था। उक्त सफल कर्मियों में नागपुर शहर पुलिस के 394 कर्मियों का समावेश था। तब से उक्त सफल कर्मी अधिकारी बनने की राह देख रहे थे। अधिकारी बनने के बाद भी कर्मियों की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही साथ अधिकारियों की फटकार सुनने को मजबूर है। दूसरी ओर पुलिस महासंचालक कार्यालय ने 15 जून 2018 को वरिष्ठ सूची न्यायालय में पेश की। इस सूची पर उक्त उत्तीर्ण कर्मियों ने विरोध दर्ज कराया था। महासंचालक ने संबंधित विभाग को सूची में सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज तक महासंचालक के निर्देश का पालन नहीं हुआ है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल